किसान भाइयों, आपके सामने खड़ा है सोनालिका का ट्रैक्टर। अब आप देखो कौन सा ट्रैक्टर है, और ये है 65 DI सोनालिका का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। आगे से एक्सल देखो आप, क्या एक्सल बनाए हैं कंपनी ने, गजब का। और ITL इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इसकी। MRF के फ्रंट टायर पड़े हुए हैं, फोर व्हील ड्राइव है, और इसमें फ्रंट में मडगार्ड भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी गजब का ट्रैक्टर लगता है। ठीक है, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, CRDI इंजन के साथ आता है। कंपनी ने इसमें बहुत ही चेंजेस किए हुए हैं। इंजन देखो इसका कितना गजब का इंजन है, कितना बड़ा इंजन है, उसमें भी CRDI है, तो कुछ गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। टर्म 4 इंजन है। और आगे बढ़ते आते हैं, इधर देखो, इधर कंपनी ने दिए हैं फुट स्टेप इससे ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस जो ट्रैक्टर का है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टायर, MRF के टायर पड़े हुए हैं, 16 9 30 का। और इसमें एक तरफ 35 किलो का वेट लगाया है, दूसरे तरफ भी 35 किलो का वेट लगाया हुआ है कंपनी ने, तो 70 किलो तो वेट हो गया। इसका एक्सल देखो आप, रियर एक्सल, गजब गजब। और इसमें यू पाइप जो लगा रखा है कंपनी ने, वो तो कहने ही क्या है, फोल्डिंग वाला यू पाइप लगा के रखा है कंपनी ने। यहाँ पर प्लेट्स देखो, इतनी मजबूती होगी नहीं कहीं पे, इतनी मजबूती जो इसमें मजबूती दे रखी है कंपनी ने। डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब दे रखे हैं। पीछे अगर बैक लाइट की बात करें तो काफ़ी सुंदर बैक लाइट दी रही है। इंडिकेटर, पार्किंग इंडिकेटर सब कुछ दे रखा है, बैक लाइट भी दे रखी है। और ट्रैक्टर को नीचे से काफ़ी उठा के रखा हुआ है। अब आपको दिख गया है टाइगर 65 DI हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस ऑयल इमर्स ब्रेक मल्टी स्पीड सटल शिफ्ट गियर के साथ में। यहाँ पर एक्सीलेटर देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर दे रखा है शायद ये डिफरेंशियल लॉक दे रखा है यहाँ पर, हाँ ये डिफरेंशियल लॉक दे रखा है। ऑयल इमर्स ब्रेक है यहाँ पर, फ्यूज के लिए क्लच है, डुअल क्लच नहीं डबल क्लच मिलती है इसमें। डुअल मिलती थी नॉर्मल जो ट्रैक्टर आता था उसमें डुअल क्लच मिल जाती थी, इसमें डबल क्लच दिया है। और इंडिपेंडेंट PTO लीवर के साथ में। आगे देख रहे हैं साइलेंसर, देखो कितना लुक वाइज क्या प्यारा साइलेंसर लग रहा है। पतला सा साइलेंसर, टर्बो है ना, तो इसीलिए 2200 kg की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर में। 2200 kg, सोच लो 2200 kg, मतलब 22 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी दे रखी है कंपनी ने। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया है अपने सेगमेंट का। आगे मिल जाता है इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर अगला टायर और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें काफ़ी हैवी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब आगे देखते हैं तो इसका टॉर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, टॉर्क। तो इसका जो टॉर्क है वो 278 न्यूटन मीटर, मतलब समझ सकते हो आप 280 मान लो, पूरा 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है खींचने की ताकत। और यहाँ पर साइड में फेंडर पे गद्दियाँ दी हुई हैं जिससे बैठने वाले को अच्छा लगे, और सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ऊपर कैनोपी लगा के रखी कंपनी ने, काफ़ी हैवी। आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं ट्रैक्टर के, तो देखते हैं क्या है इसमें। इसमें गियर की अगर बात करेंगे तो ऊपर चल के देखते हैं, चढ़ते हैं ऊपर। गियर की बात करें तो इसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शटल शिफ्ट गियर दे रखा है, लो मीडियम हाई और सिंक्रो में। इसका गजब का क्लच तो देखो, क्लच बड़ी लाइट है और इसका सिंक्रो में ऐसे, वाह, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। इसमें 1 2 3 4 गियर यहाँ पर दे रखे हैं, लो मीडियम हाई, तो 4 थी 12 रिवर्स 12 फॉरवर्ड गियर है। इंडिपेंडेंट PTO लीवर दे रखा है, ये है क्लच, ये इंडिपेंडेंट PTO लीवर के साथ में है, ये देखो, ये तो ये लीवर, ये हैंड ब्रेक यहाँ पर दे रखा है कंपनी ने। 540 पर रिवर्स PTO और फॉरवर्ड PTO दोनों मिल जाते हैं ऑप्शन में। काफ़ी अच्छा काम कर दिया है कंपनी ने यहाँ पर। यहाँ सोनालिका का वेजिंग स्टीयरिंग मिल जाती है, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, क्या गजब का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है कंपनी ने। और इसके अगर इंजन के सिलेंडर की बात करें तो 4 सिलेंडर इंजन है और 4712 cc का इंजन है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ट्रैक्टर सोनालिका का 65 DI टाइगर? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसा आपको वीडियो देखना पसंद है वो भी बताएं, तो हम वो भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक आप पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।